इस प्रॉब्लम में आपको तीन ब्लॉक्स दिए गए हैं, ए बी और सी। ए बी के ऊपर रखा हुआ है, दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है म्यू, तीनों का मास दे रखा है एम, टू एम और एम। इस ब्लॉक सी को हमने वेलोसिटी वी प्रोवाइड करी जिससे ये 2m से जाके टकराता है। कहा गया है कि ए और बी के बीच में फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट है कि ए बी से गिरता नहीं है, ए बी के ऊपर ही रहता है। तो ए और बी की कॉमन वेलोसिटी, फाइनल कॉमन वेलोसिटी पूछी गई है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, पहले तो समझते हैं कि जब ये सी जाकर बी से टकराया उस वक्त इंपल्सिव फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। सी और बी कोलाइड किए तो सी और बी के बीच में एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, दिस नॉर्मल फोर्स इज इंपल्सिव। ए बी के ऊपर रखा हुआ है, वर्टिकल डायरेक्शन में इस इंपल्सिव फोर्स का कोई कंपोनेंट, कोई रोल नहीं आएगा। तो इनके बीच में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है ए और बी के बीच में, वो फाइनाइट फोर्स है, वो इंपल्सिव फोर्स नहीं है। और क्योंकि ए और बी के बीच में लगने वाला नॉर्मल फोर्स इंपल्सिव नहीं है, इसलिए फ्रिक्शन भी इंपल्सिव नहीं है, ये फाइनाइट फोर्स है। मतलब एक ही इंपल्सिव फोर्स लग रहा है, वो है सी और बी के बीच में। दैट मीन्स ए आपके कोलिजन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ए इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द कोलिजन बिटवीन बी एंड सी। ए अलग रखा हुआ है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बी और सी का कोलिजन करा लेते हैं। फॉर कोलिजन बिटवीन बी एंड सी, अगर हम बी और सी के बारे में बात करें कोलिजन के दौरान, तो मैं मान लेता हूं कि ये बिफोर कोलिजन तो कंडीशन बताई रखी है आपको, आफ्टर कोलिजन मान लेता हूं इस सी की वेलोसिटी हो जाती है वी वन और बी की वेलोसिटी हो जाती है वी टू। तो ऐसे में बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम की इक्वेशन अगर लिखेंगे हम लोग तो क्या आएगा, वो कहेंगे इनिशियल मोमेंटम एम वी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इसका मास एम है, इसका मास टू एम है, तो एम वी वन प्लस टू एम वी टू। दिस इंप्लाइज एम कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो वी वन प्लस टू वी टू इज इक्वल टू वी, दिस इज इक्वेशन वन। अब दूसरी इक्वेशन आएगी आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन की, वो कहेगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और क्योंकि आपको कोलिजन इलास्टिक दे रखा है ई की वैल्यू वन है, सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, वी टू माइनस वी वन, सो वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना था, ये तो रेस्ट पर है, ये वी से जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज वी। ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। हम वी टू निकाल लेते हैं, वी टू निकल जाएगा तो उसके बाद हम इन दोनों की कॉमन वेलोसिटी निकाल पाएंगे। इसके लिए हमने इन दोनों को ऐड कर दिया इक्वेशन को, हमने क्या देखा, वी वन सी वी वन चला गया, इधर आया थ्री वी टू इज इक्वल टू टू वी, विच इंप्लाइज वी टू इज इक्वल टू टू वी बाय थ्री। ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ बी जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन से क्या हुआ, अगर आप सी की वेलोसिटी निकालोगे तो वो निगेटिव आ जाएगी, तो उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोलिजन में क्या हुआ, बी की वेलोसिटी आ चुकी है टू वी बाय थ्री, ए उसके ऊपर रखा हुआ है, ए अभी रेस्ट पर है, तो बी नीचे से फिसलने की कोशिश करेगा, तो उस केस में ए पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आगे की तरफ और ए एक्सेलरेट करेगा, बी पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ तो बी रिटार्ड करेगा। बट ए और बी के सिस्टम पे और सिस्टम ऑफ ए बी आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑफ सिस्टम ए प्लस बी रिमेन्स कंजर्व्ड। क्यों, क्योंकि देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बिटवीन ए एंड बी, जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है दैट इज फ्रिक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा और वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स, कोई मोशन ही नहीं है, तो उसके बारे में बात करने का फायदा ही नहीं।
तो मोमेंटम ऑफ ए प्लस बी विल रिमेन कंजर्व, मतलब जस्ट आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम था वही इन दोनों के सिस्टम का फाइनल मोमेंटम होगा। अब दोनों की कॉमन वेलोसिटी पूछी गई है, कॉमन वेलोसिटी में दोनों का फाइनल वेलोसिटी इक्वल हो गया, मान लेता हूं वो कॉमन वेलोसिटी हो गया ही, तो ऐसे में फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m प्लस 2m टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय u, इट हैज टू बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम मतलब आफ्टर कोलिजन का इनिशियल मोमेंटम, वो कितना है 2m मास का वेलोसिटी है 2v बाय 3, व्हिच इंप्लाइज u इज इक्वल टू 4v बाय 9। ये आपका फाइनल वेलोसिटी है इन इस सिस्टम का, a प्लस बी कॉमन फाइनल वेलोसिटी, यही आपका आंसर है।